हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शाय स्टाइल्स। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दैट आई एम गोइंग टू ट्राई फॉर द फर्स्ट टाइम किड्स मेकअप किट। जी हाँ, सो एक्चुअली मैंने इंट्रो शूट नहीं किया था तो इसलिए ये पूरा आउटफिट चेंज है। सो मैंने ये जो किट है वो अमेज़ॉन से आपको मिल जाएगी। बच्चों की किट है बेसिकली, इसमें बच्चों का मेकअप है या बच्चों से खेल सकते हैं, तो उससे मैं अपना आज का मेकअप लुक करने वाली हूँ एंड आई होप आपको पसंद आएगा। सो या अगर आपको ये मेकअप लुक अच्छा लगे, लाइक मेकअप लुक नहीं, ये फन वीडियो है एक्चुअली, इट्स अ फन वीडियो। सो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो चलिए देख लेते हैं कि कैसे कैसे मैं करने वाली हूँ, क्या क्या प्रोडक्ट्स जो हैं उस किट में मैं यूज़ करने वाली हूँ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज द बॉक्स गाइस, ये आउटर बॉक्स है। सो लेट मी शो यू द पैकेजिंग। ओके, सो ये कुछ इस तरीके से है। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। तो काफ़ी क्यूट यू नो सूट के स्टाइल में ये मेकअप किट है और इस पर लिखा है फ्रोजन। तो ये इट्स अ फ्रोजन किड्स मेकअप किट और बॉक्स। सो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। इसमें लिप ग्लॉसेज हैं, आई डोंट नो, एंड उनके अंदर कोई भी यू नो कलर नहीं लग रहा मुझे। दिस हाउ इट लुक्स, ये वाले लिप ग्लॉसेज। एंड देन यहाँ पे हैं कुछ पाउडर आई शेडोज, काफ़ी सारे कलर में एंड उनमें कलर्स हैं, ठीक है। तो उसके साथ कुछ ब्रशेज़ हैं, स्पंज टिप एप्लीकेटर। एंड जब इसे ओपन करते हैं ना, सो यू विल गेट सम नेल आर्ट टाइप समथिंग, यू नो स्टिकर्स एंड नेल के लिए, बच्चों को अच्छा लगता है। एंड देन टू लिप ग्लॉसेस और लिपस्टिक और दो येलो एंड ब्लू कलर के आई लाइनर आई गेस। या सिर्फ इतना ही इस मेकअप किट में है एंड मैं यही प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ फॉर माई फेस, लाइक फॉर माई मेकअप ऑन माई फेस। ओके, मैंने यहाँ पे अपनी यू नो अच्छे से फेस को क्लीन कर लिया है। ब्राउज़ के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं था तो आई थॉट पहले मैं ब्राउज ही कर लेती हूँ। ऑफलाइन ब्राउज एंड मस्कारा मैंने अप्लाई करा हुआ है एंड आई एम वेयरिंग जेनिथ ब्लू के कॉन्टेक्ट लेंसेज ब्लू कलर में, क्योंकि ब्लू मेकअप मतलब मेकअप अच्छा लग रहा था मुझे, करूँगी। मैंने ब्लू ईयरिंग्स पहने एंड देन दैट्स इट। मैंने फेस पे भी कुछ नहीं लगाया। सो मैं स्टार्ट कर रही हूँ पहले मॉइस्चराइजर से, जस्ट बिकॉज कि मेरी स्किन प्रेप रहे, क्योंकि मैं बच्चों वाला मेकअप लगाने जा रही हूँ एंड बहुत केकी केकी हो सकता है। सो या मैंने टोनिंग कर ली है, अपने फेस को क्लीन कर लिया है एंड देन मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ ये मेरा न्यू टू डैम का वाइटमिनी मॉइस्चराइजिंग लोशन। आजकल तो आपको पता ही है कि हर तीसरा इन्फ्लुएंसर या ब्यूटी ब्लॉगर्स के बारे में बात कर रहा है एंड मैं इसको अराउंड 2 साल या 1.5 साल से यूज़ कर रही हूँ। आई थिंक मैं पहली या दूसरी थी जो मैं इसको बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ एंड अब मैं हर किसी को देखती हूँ इसे यूज़ करते हुए। तो आप सोच लो कि मैं कितने टाइम पहले से यूज़ कर रही हूँ एंड मैं वर्क कर रही हूँ इनके साथ। सो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना मैं इसका लिंक दे दूँगी, आपको भी एक बार ट्राई करके देखना चाहिए। इट्स वेरी नाइस जस्ट बिकॉज कि ऑल स्किन टाइप्स के लिए तो है ही है एंड इट्स नॉट दैट स्टिकी टैकी और समथिंग लाइक दैट। और ये काफ़ी अच्छे से फेस को प्रेप कर देता है, आप एवरी डे में लगा सकते हो एंड दिस इज़ बेस्ट फॉर बिफोर मेकअप, आपका मेकअप बहुत अच्छे से ग्लाइड होता है। और राइट, तो मैंने मॉइस्चराइजर लगा लिया है यहाँ पर। अब मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो यहाँ पे सिर्फ दो ही कलर्स हैं जो कि जा सकते हैं, कोई फाउंडेशन कोई क्रीम नहीं है। दिस कलर, दिस इज़ अ बेज कलर बट इसके अंदर शिमर है, बट इट्स ओके, मैं इसी को यूज़ करने वाली हूँ। ओके, नो पिगमेंट, कोई कलर ही नहीं आ रहा है यार इस पर तो। लेट्स सी, वाइट वाला तो स्टिल बेटर है बट मैं सोची थी ये स्किन टोन पे चला जाएगा, थोड़ा थोड़ा काम कर रहा है। मुझे ये स्पंज टिप एप्लीकेटर लेना चाहिए, थोड़ा सा इसे स्क्रैच करके देखते हैं। कर दिया, ओके। आई थॉट कि मैं एज अ फेस पाउडर यूज़ कर लेती हूँ। आई एम स्टिल ट्राइंग कि कुछ प्रोडक्ट आ जाए, बट इसके अंदर शिमर भी है, नीचे शिमर नहीं है उतना एंड बच्चे सिर्फ इसको हाथ में लेने की कोशिश कर सकते हैं, लाइक अगर अपनी बेटी के लिए या फिर यू नो किसी को गिफ्ट कर रहे हो, क्योंकि इसके अंदर पिगमेंटेशन बिल्कुल भी नहीं आ रही है। बट अगर पिगमेंटेशन होती तो ये बहुत अच्छा काम करता, बस इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा मुझसे, क्योंकि मैंने इसे बहुत अच्छे से ट्राई करने की कोशिश करी है बट हो नहीं पा रहा है, ठीक है। कोई बेस नहीं लगाया मैंने। देन यहाँ पे हम बात करते हैं ब्लश की, तो ब्लश के लिए मैं यूज़ कर सकती हूँ
ये वाला शेड, दिस वन, लेट्स सी. ओहो चलो, इसमें तो कुछ कलर है, देखो आप देख सकते हो. अब मैं चाहती हूँ मैं थोड़ा ओवर ब्लश लगाऊँ, क्योंकि बच्चों के हिसाब से देखा जाए तो बच्चों को ब्लश का कुछ पता ही नहीं होता. नॉट बैड, यू कैन सी ना, बच्चों का मेकअप, वाओ नाइस. गाइस यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि मैं अच्छे से ब्लश लगा पाऊँ, और काफ़ी टाइम के बाद फाइनली मुझे थोड़ी बहुत पिगमेंटेशन मिली है, जो आप मेरे चिक्स पे देख सकते हो. यहाँ पे मैं ये वाला ब्रश यूज़ कर रही हूँ, जिस इस किट के साथ आया था, फॉर माई आईज़. तो यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर शेड्स हैं. ये जो आप मल्टी कलर देख रहे हो, इनमें कोई कलर नहीं है, दे आर लाइक यू नो जेल. सो मैं इन्हीं को यूज़ करूँगी, बट मैं पहले ये जेल अपनी आईज़ पे अप्लाई करने की कोशिश करती हूँ. अच्छी से शीन मिल रही है, एंड आई थिंक अगर मैं इसके ऊपर स्टिक करूँगी ना ये कलर्स, तो शायद अच्छे से स्टिक होंगे. आई एम टेकिंग दिस ब्लू शेड. ओके आई थिंक आप देख सकते हो कलर आ गया. एक तो ये ब्रश इतना पथेंटिक है ना, बहुत हार्ड है ये, बिल्कुल भी बच्चों की स्किन के लिए सही नहीं है ये ब्रश. सो अगर आप अपने बच्चों के लिए मेकअप किट खरीद भी रहे हो ना, मतलब उन्हें खुश करने के लिए, प्लीज़ ये ब्रश रिमूव कर देना उसमें से, क्योंकि ये पोक करेगा उनकी स्किन को. ये कलर मुझे कलर पे ऑफ मिल रहा है इतनी देर के बाद, दिस ब्लू शेड. ओके दिस इज़ सो पिगमेंटेड, जस्ट पैटिंग. ये कलर अच्छा है, ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग एंड ब्लेंडिंग. सो इस आइज पे भी हम सेम करेंगे. ऑल राइट, तो काफ़ी अच्छा ब्लू कलर आ गया है, बट कोई बेस नहीं है, कुछ नहीं है. इधर ज़्यादा डार्क हो गया, इधर ज़्यादा लाइट हो गया, जस्ट बिकॉज मैंने जो ग्लॉस टाइप लगाया था. तो यहाँ पे मैं क्या करने जा रही हूँ, यहाँ पे फोर लाइनर्स हैं. आई डोंट नो लाइनर्स हैं कि क्या है, बट एक रेड है, एक पिंक है, एक येलो है. सो आई एम गोइंग टू यूज़ येलो वन, क्योंकि बच्चे ना बहुत कलरफुल चीज़ें पसंद करते हैं. सो ये इस तरीके से कुछ है. इससे तो लाइनर भी नहीं ड्रॉ हो सकता. ठीक है, मैं ये प्लान ड्रॉप कर रही हूँ यहाँ पे. व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज स्टार बनाने की कोशिश. गाइस यहाँ पे दो कलर के आई डोंट नो लिक्विड आई शेडोज हैं, दे आर अमेजिंग नेल स्टिकर्स, मतलब ये नेल पेंट पे लगाने वाले हैं, एंड ये रेड कलर का है. सो आई एम गोइंग टू, जी हाँ, हार्ट बनाने की कोशिश. फॉर माई लिपस्टिक, लिपस्टिक के लिए मुझे नहीं लगता मुझे ये लगाना भी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है. सो यहाँ पे लिपस्टिक का प्लान हम इससे ड्रॉप कर रहे हैं. मैं क्या करने जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू टेक दिस शेड. ओके लेट मी क्लोज फर्स्ट. एंड यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सुंदर सुंदर कलर्स हैं. येलो में कोई कलर नहीं है, दिस पिंक हैज लिटिल बिट टिंट, बट मैं ये वाला पिंक लेने वाली हूँ, जो कि एक नियॉन पिंक है, या इसके अंदर कलर भी है. तो मैं अपने लिप्स पे इसे अप्लाई करूँगी. वैसे सच बताऊँ तो ये काफ़ी मॉइस्चराइजिंग लिप ग्लॉसेस हैं, रेड में भी हल्का हल्का कलर है. आई एम गोइंग टू टेक, सॉरी इसके लिए, ये पिंक कलर. यहाँ पे तो मुझे कोई कलर मिल नहीं रहा है लिप्स पे, मैंने सारे शेड्स ट्राई कर लिए. ओके ये पर्पल कलर थोड़ा बहुत पिगमेंटेड है, बस इससे ज़्यादा नहीं. ये येलो कलर जो था ना, जो मैंने आईज़ पे लगाया था, आई थिंक वो काम कर सकता है. तो मैं वही शेड अप्लाई करके देखती हूँ लिप्स पे. ठीक है, बच्चों का मेकअप है, कुछ भी लगा सकते हैं. कलर इज सो वियर्ड, ओ माय गॉड दिस इज सो वियर्ड. ओके बस इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है. तो ये है मेरा फुल फेस मेकअप लुक यूजिंग किड्स मेकअप. जी हाँ, ऑल राइट यू गाइस. तो मैंने थोड़ा सा क्रिएटिव होने की कोशिश की है, लाइक स्टार्स हार्ट्स बनाए हैं, कोशिश तो की मैंने कि कुछ कुछ हो पाए, बट टू बी ऑनेस्ट इसके अंदर कोई पिगमेंटेशन नहीं है, एंड कोई लाइनर नहीं है. लेकिन उन बच्चों के लिए, वैसे बच्चों को कुछ नहीं पता होता, बट कितने साल के बच्चों के लिए है, 3 to 5 years आई गेस, इससे ज़्यादा नहीं ऊपर. एंड या
पैकेजिंग बहुत ज़्यादा क्यूट है इस मेकअप किट की, नो डाउट पैकेजिंग बहुत प्यारी है, बच्चों के लिए खेलने के लिए बहुत अच्छा है। आपका मेकअप अगर आप बचाना चाहते हो कि आपका मेकअप बर्बाद ना हो तो ऑब्वियसली आप बच्चों को ऐसा मेकअप दे सकते हो, बट मेक श्योर कि उसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह आप सब कुछ पढ़ लो, वो सेफ़ है बच्चों की स्किन के लिए या नहीं, तब ही जाके आप अपने बच्चों के लिए ऐसे कोई चीज़ ऑर्डर करना। सो मैंने जस्ट यू नो फन के लिए वीडियो किया है एंड आई होप आपको अच्छा भी लगा होगा। लाइक मुझे आईज़ पे कलर आ गया है, दैट्स सो गुड। अगर मैं इसमें लाइनर लगाऊंगी तो ये अच्छा लगेगा, ठीक है। एंड लिप्स ब्लश भी अच्छे से हो गया, लिपस्टिक लिए कुछ भी नहीं है, सो वियर्ड। ओके, खैर इसमें इनकी भी कोई गलती नहीं है, मैं नेल पेंट को अगर लिप्स पे लगाऊंगी तो ऐसे ही कुछ रिजल्ट आएगा। ऑलराइट यू गाइस, सो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो आई ट्राइड किड्स मेकअप फॉर द फर्स्ट टाइम एंड दिस इज़ माई मेकअप लुक, एंड अच्छा लगा तो प्लीज़ मेक श्योर वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये किट मैंने ली है अमेजोन से, मैंने निधि को देखने के लिए बाद ही लिया है। जी हाँ, काफ़ी सारे लोगों मैंने देखा है, निधि ने भी वीडियो किया है, निधि कटिया मेरी फ्रेंड, आप चाहो तो उसका भी चैनल चेकआउट कर सकते हो। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अच्छा लगा तो प्लीज़ मेक श्योर लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब मैं फेस को थोड़ा ढंग से कर लेती हूँ बिकॉज ये मेकअप लुक कहीं से कहीं तक भी ठीक नहीं लग रहा है। जस्ट ऑफ फन के लिए मैंने वीडियो बनाया था। बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।